आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एचपी विक्टस मार्केट में लॉन्च हो चुका है। यस, जिस लैपटॉप का तुम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो मार्केट में आ चुका है। और यहाँ पर मैं 2022 वर्जन की बात कर रहा हूँ, बट विक्टस इकलौता नहीं है जो लॉन्च हुआ। यहाँ पर हमारे पास ओमन भी सीरीज लॉन्च हुई है प्रॉपर। तो एचपी ओमन तुम्हारा लॉन्च हुआ 1,10,000 का, एंड 2,00,000 तक ये तुम्हें मिलेगा। और अगर बात करें एचपी विक्टस की तो वो 68,000 का है, और एक एचपी विक्टस 83,000 का है। अब जो समझ में आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर दो वेरिएंट आ रहे हैं, HP Victus 15 और 16। अभी फिलहाल मार्केट में स्पेक्स का तो नहीं पता चला, तो अब जेन्युइन क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मार्केट में आ गया क्या? द आंसर इज नो। विक्टस 15 मिल जाएगा तुम्हारा 22 जुलाई तक 68,000 वाला, और अगर तुम्हें विक्टस 16 चाहिए तो वो पड़ेगा तुम्हें 85,000 का। बट विक्टस 16 की अभी तक डेट नहीं आई है, और सच बताऊं तो यार इसकी स्पेक्स आर ऑल्सो नॉट क्लियर कौन सा वेरिएंट लॉन्च करे। 68,000 मुझे लग रहा है i5 12 जेन ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, या फिर AMD वाला वेरिएंट होगा। बट 15-16 क्यों? अभी वाला जो विक्टस था वो केवल 16 में ही आता था। बाकी अगर तुम्हें 5600H वाले विक्टस का रिव्यू देखना हो तो पराई बटन में दे दूंगा। 3050 RX 5500M और 1650 सबके रिव्यू अवेलेबल है, तो चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट लैपटॉप इज मैकबुक एयर M2। अब यार ये लॉन्च तो बहुत पहले हो चुका है, तुम्हें नेट पे भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बट रियल लाइफ में ऑन पेपर ये सेल पे अवेलेबल नहीं है। मैकबुक प्रो M2 फिलहाल मार्केट में मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है, बट अभी फिलहाल मैकबुक एयर M2 नहीं मिल रहा है, जो कि सस्ता वेरिएंट था इसका। फिर मेरे डेल लवर्स के लिए अच्छी न्यूज, डेल G15। जी हाँ, लॉन्च हो चुका है इंडिया में, बट ये वाला इज वेरी एक्सपेंसिव यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना महंगा होगा, बट लेटेस्ट टेक है तो देख लेना। तो ये वाला जो डेल G15 है ये 84,000 का है, जो कि AMD Ryzen 5 SoC के साथ आता है। 8GB की रैम है एंड अपग्रेडेबल है 16GB तक। तो इन शॉर्ट 6600H की कॉस्ट इज 84,000, थोड़ा ज्यादा महंगा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अगर इतना ही प्राइस होना है तो यार मैं i5 ना लूं, जो कि ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी देगा। बट देखो फिलहाल मार्केट में यही चल रहा है। बाकी इसका रिव्यू तुम्हें चैनल पे मिल जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पुराने वाले डेल G15 का देखना हो 5600H वाला, तो उसका रिव्यू मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, चेक कर लेना। फिर यार ये अगला लैपटॉप इज नॉट अपकमिंग पर से, बट अभी अभी लॉन्च हुआ है, इन्फिनिक्स X1 स्लिम। लेने का तो नहीं सोच रही हूँ ना, मत लेना। अगर हाँ तुम उन लोगों में से हो जो कि 30,000 के नीचे बजट है, तो i3 10th gen इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट i5 i7 वाले बिल्कुल मत लेना, नॉट वर्थ इट। फिर नेक्स्ट लैपटॉप सीरीज इधर असूस टफ की सीरीज, अभी लॉन्च हुई है, एक दो दिन हुआ है, तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। इसमें तुम्हें अल्ट्रा पोर्टेबल, 2-in-1 बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड सारे के सारे बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। और जब मैं इस टॉपिक के लिए रिसर्च करता हूं, भटकते भटकते मुझे ये लैपटॉप भी मिल गया, अनएक्सपेक्टेड स्पेक्स एंड अनएक्सपेक्टेड प्राइस, असूस वीवोबुक i3 12th gen वाला, एंड इसका प्राइस 48,000, क्वाइट एक्सपेंसिव आई मस्ट से यार। इतने में राइजन 5 ना लूं, i3 क्यों लूंगा, 12 जेन ही हो चाहे, बट क्या पता है राइजन 5 से अच्छा हो। तो तुम लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको भी ऑर्डर कर दिया। तो यार ऑर्डर तो कर दिया, बट 6 जुलाई इसकी डेट है। 6 जुलाई ये आएगा, मैं कब टेस्ट करूंगा, कब रिव्यू करूंगा, बहुत लंबा टाइम है, बट एनीथिंग फॉर दिस चैनल। बाकी अगर तुम लोगों को ऐसे ही न्यूज हफ्ते में दो बार चाहिए तो कमेंट कर देना, CPU या फिर GPU रिलेटेड न्यूज चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, और मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।